देख सकते हो आप, इतना बड़ा होने के बावजूद मैं कच्चा खा रहा हूँ और इसमें इतना मीठा दूध है और अभी भी लग रहा है कि छोटा सा ये मक्का होता है उसमें जो टेस्ट आता है वही टेस्ट आता है। और इसकी साइज देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हो सकता है। और ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे राजकोट ज़िले में, गुजरात के राजकोट ज़िले में भरत भाई परसाना करके व्यक्ति है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके बहुत प्रभावित है और वो खुद भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ वो खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मक्का है यहाँ, बैगन है, बहुत अच्छी तरह से उगाया है। ये बैगन जो है ना, मैं पहली बार ऐसा बैगन देख रहा हूँ भरत भाई, ऐसा बैगन मैंने पहले कभी लाइफ में नहीं देखा है। पत्ते पत्ते पे दो दो फूल है और ये सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही पॉसिबल है। मुंबई में मैं 25 साल से रहा हूँ और अभी यहाँ गुजरात आने की सोच रहा हूँ और यहाँ फार्मिंग करने की सोच रहा हूँ, तो सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों ना किया जाए और आप जैसे व्यक्ति साथ में हो और थोड़ी सी मार्गदर्शन मिल जाए हमको, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए आपके थ्रू, इंस्पिरेशन मिल जाए, तो ये काम शक्य है यहाँ पर गुजरात में। बॉम्बे में आप क्या कर रहे थे? बॉम्बे में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर सोचा कि वो सब जरूरी नहीं है, यहाँ की जॉब की जाए, वो सब छोड़ के यहाँ इतना खुशनुमा वातावरण है, यहाँ आके यहाँ खुद ही रह जाए, ऐसी अभी तो विचार बनाई है हमने। और नई पीढ़ियों को आप क्या बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए उसको? नौकरशाही से छुटकारा पाके यहाँ सेठ बन के रहो, खुद के खेत में, खुद के यहाँ थोड़ी थोड़ी 20-20 बीघा जमीन हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर आपको पता ना हो कि ये कैसे किया जा सकता है, छोटे से फार्म, आप अगर 5 भी बीघा आपकी जमीन है गुजरात में कहीं, या कोई भी भारत के कोई भी स्टेट में आपकी थोड़ी सी भी जगह हो, तो नौकरशाही से छूट जाओ, 9 से 5 की जॉब को छोड़ दो और खुद अपने खेत में सेठ बन के रहो। और ऐसी फार्मिंग सीखने के लिए भरत भाई परसाना का कॉन्टेक्ट कीजिए, वो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मक्का, मैंने पहली बार मक्का, बैगन, ककड़ी, देखो ये जितने भी है मैंने, और ये सबसे अच्छी बात, इसको ऐसे ही खाओ, सीधा मुंह पे लगाओ, खा लो, धोने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सब फ्रेश है, इसमें कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं है। और ये इतना अच्छा उग गया कैसे, वो तो हम पहले कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है उसको आश्चर्य होता है कि बिना पेस्टिसाइड, बिना उसके कोई भी एक जंतु भी नहीं है इसमें। मक्का का साइज देखो कितना बड़ा है। अरे इसकी पत्ती की साइज देखो, तो फल तो इतना बड़ा लगने ही वाला है। हमारे से भी बड़ा है, देखो हमारे से 2 फुट बड़ा है। इसमें कोई पेस्टिसाइड और केमिकल डाला नहीं है। हमारा फार्म में लास्ट 10 इयर्स हमने 1 भी रुपये का केमिकल नहीं डाला है, ओनली गौमूत्र एंड गोबर। बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो बोल रहा हूँ सभी जो युवा वर्ग है, आज जो